जो है वो खुदकुशियां बहुत कर रहे हैं, वो खुदकुशी करने की वजह क्या है? शायद जो है वो अपनी जिंदगी का मकसद वो तय नहीं कर पा रहे कि वो जिंदा क्यों रहे और वो चाहते हैं कि वो मर जाए। तो इसी के ऊपर जो है वो विल ड्यूरेंट ने क्या किया कि दुनिया भर के लोगों को, दुनिया भर के रिसर्चर, दुनिया भर के राइटर, दुनिया भर के फ्रीडम फाइटर, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू, जिसके अंदर महात्मा गांधी, बर्ट्रेंड रसेल, उन लोगों को खत लिखा कि आप बताएं कि हमें जिंदा क्यों रहना चाहिए। तो बेसिकली ये किताब इसी के ऊपर है, लेकिन आखिर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन देने की कोशिश की, उनका टाइम नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ जो लोग फारिग रहते हैं ना, फारिग, तो वो लोग जिंदगी से मायूस होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर बिजी रखें, किसी न किसी, चाहे वो प्लांटेशन हो, आप प्लांटेशन में आप काम करेंगे ना तो आपको इतना रिलैक्स फील होगा, क्योंकि मैं खुद प्लांटेशन का काम कर रहा था पहले, तो जब वो फ्लावर निकलते हैं ना तो आपको इतनी ज्यादा खुशी होती है कि यार ये मैंने लगाया था पौधा और जो है वो उसमें से फ्लावर निकल गया, और ये ब्लू कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का। तो अपने आप को इस किताब का कंक्लूजन ये है कि अपनी जिंदगी वक्फ कर दें लोगों के लिए, अगर आपके पास अपने पास कोई पर्पस लाइफ जीने का नहीं है तो लोगों के लिए वक्फ कर दें। और दूसरा ये है कि हमेशा बिजी रहें कोई ना कोई काम में, ये ना सोचे कि मुझे से पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, हमें कौन से पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे इन्वाइट करने, बल्कि हमारे पैसे जा रहे हैं, हम तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या है हमने अपने आप को बिजी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बुक रीडिंग का कल्चर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरफ लेके आए। बुक का नाम दोबारा बता दें, एक्सक्यूज मी, बुक का नाम दोबारा बता दें, द मीनिंग ऑफ लाइफ। थैंक यू।